वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। फिर से आपका दोस्त, आपका छोटा भाई रौनक आपके लिए खास और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुका है। आज जो का जो वीडियो है काफ़ी खास और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्या भाई, आज भैया का बाइक का तेल खत्म हो चुका है। थोड़ा दूर आगे पेट्रोल पंप भी है, तो वहीं पर तेल भरा लेंगे। तो अभी हम चलेंगे बाइक में पेट्रोल लेने। तो भाई इधर देख लो भाई, बंजारन लोग का यहाँ पे घर है। तो हम सोचे यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठंडी हवा चली और इधर का जो बैकग्राउंड आता है पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई पे चला गया है, ऑन करो चाबी। तेल ई पे है, यहाँ से थोड़ा दूर पेट्रोल पंप है, वहीं पे हम लोग तेल भरा लेंगे। और आगे काफ़ी खास और कुछ अच्छे अच्छे सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहे। तो चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कितना रुपया है पेट्रोल भैया? कितना रुपया पेट्रोल? 106। कितना दिन बाद ये इंसान पेट्रोल भरा रहा आज पूरा बाहर जाना था, सोचे बाइक में पेट्रोल वगैरह भरा लेते हैं। 100 रुपया कर दिया। सक्सेस। अभी भाई हम चल रहे थे और हमें एक कॉल आ गया, बोला भाई मेरा फोन का डिस्प्ले जो है वो फूट गया है, तो मेरे लिए तुम न्यू फोन ले लेना। तो हम लोग जा रहे हैं अभी जस्ट फोन लेने के लिए मार्केट। तो आपको हम फोन लेके दिखाते हैं, छोटा ही फोन है। लेकिन भाई लोग हम आ चुके हैं फोन के दुकान पे, यहीं से हम लोग फोन परचेस करेंगे। स्थान आपको बताते हैं कचहरी, तो देख लीजिए दुकान। अभी हम चलेंगे इसके अंदर और भाई ने कहा कि थोड़ा कम ही प्राइस में लेना फ़ोन, क्योंकि कुछ ही दिन को यूज करना है, छोटा ही फोन है। तो हम अभी जस्ट फोन लेने वाले हैं। क्या भाई है फोन? यहाँ सिम विम वगैरह लगता है मिल रहा है। अब यहाँ तो हमें फोन नहीं मिला और आगे का दुकान ट्राई करते हैं। भैया गए मोबाइल सही मिलेंगे। भाई हम गाड़ी के पास ही रह गए, क्योंकि रोड के साइड में जब भी बाइक वगैरह लगाओ तो पूरा ध्यान रखो, क्योंकि बाइक रोड के साइड में काफ़ी गाड़ी चलती है, तो बाइक वगैरह को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो भैया को बोले तुम मोबाइल लेके आओ, हम यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। बाइक भी दो काम हो जाएगा, एक बाइक भी इधर देख लेंगे और मोबाइल यहाँ पे तो देख ही लेंगे। आएंगे तो दुकान में भैया भी गए हैं मोबाइल लाने के लिए, तो हम सोचे थोड़ा बाहर से ही आपको कुछ सीन दिखा दें यहाँ का। तो अभी हम रोड के साइड रुके हैं, तो भैया आते हैं मोबाइल लेके, तब तक यहीं पर वेट करते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और देख लीजिए अभी हम मधुबनी मार्केट में हैं। थोड़ा सब्जी वगैरह खरीदनी थी, तो हम लोग अभी मधुबनी मार्केट में वेट कर रहे हैं बाइक के पास, जो हम बोले थे कि बाइक आप रोड के साइड में लगा के जाएं। तो भैया गए हैं कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो हम अभी यहीं बाइक के पास इंतज़ार कर रहे हैं भैया का। के समय भाई साहब ट्रैफिक देख लो कितना भरा हुआ है यहाँ पे। मधुबनी का सब्जी मंडी है यहाँ पे साइड, वहाँ पे जो आप देख रहे हैं सब्जी मंडी उधर है। लेकिन शाम का समय है तो काफ़ी लोग यहाँ पर सब्जी की खरीदारी करने आते हैं और ट्रैफिक जो है पूरा भरा हुआ है भाई साहब। उसके बाद मधुबनी मार्केट का एक पर्सनल वीडियो हम लोग बनाए हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया दे देंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और मेन जो यहाँ पे सब्जी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सब्जी यहाँ पर मिलता है, ताज़ा सब्जी होता है, तो लोग अधिकतर यहीं सब्जी की खरीदारी करते हैं। भैया खीरा और परवल और कुछ नींबू भी लाए हैं, क्योंकि शाम के समय भैया नींबू और सुबह के समय नींबू का चाय पीते हैं, जो लाल चाय। तो अभी हम लोग चलते हैं। 6 बज गए हैं, कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी हम लोग आए हैं जिला कोरोना टीका केंद्र। यहाँ पे भैया गांव में ही फर्स्ट डोज लिए थे, तो भैया का सेकेंड डोज अभी बाकी है। तो भैया सोचे खुला है तो पूछताछ कर लें, क्योंकि सेकेंड डोज भैया को लेना अभी ज़रूरी है, समय भी हो चुका है। अभी हम लोग आए हैं चाट खाने के लिए अरंत कचहरी के जस्ट आगे इस साइड में, भट्टा जाने वाला रोड में।
यहाँ पे चाट रुबानी, वहाँ रुबानी के जस्ट साइड में यहाँ पे चाट का दुकान है, तो सोचे भाई चाट वगैरह खा लिया जाए। तो हम लोग 2-3 घंटे से कुछ तो खाए नहीं थे, तो भाई को बोले थोड़ा भाई चाट ही खिला दो या चिनिया बादाम, चिनिया बादाम थोड़ा हमको अच्छा लगता है। भाई बोले यहीं पे तुम रुको, हम चाट वगैरह लेके आते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले भाई हाथ वगैरह धो लो बढ़िया से। भाई अभी हम चाट और ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किए हैं, तो चाट भैया खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा थोड़ा हम भी चाट का टेस्ट लेंगे और ब्रेड पकौड़ा भी खाएंगे। कैसा है भाई टेस्ट? अच्छा है भैया, एक चम्मच और दे दीजिएगा, थैंक्स भैया। अच्छा है, क्या ही बोले जाए दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट है चाट का। अभी हम ब्रेड पकौड़ा खाए नहीं, ब्रेड पकौड़ा भी खा के भी आपको रिव्यू देंगे आप जस्ट बाहर में। ब्रेड पकौड़ा हमने मंगाया था, आपको खा तो लिया, आपको प्राइस बताते हैं। चाट हमको मिला 30 रुपया में, 30 रुपया प्लेट, एक प्लेट था। और ब्रेड पकौड़ा हमने एक पीस लिया था, 12 रुपया पीस था। तो ब्रेड पकौड़ा हमको काफ़ी अच्छा लगा, तो ठीक है बाय बाय। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और वीडियो को हम आपसे यहीं पे अलविदा लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम घर जाएंगे और घर में थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे। तो गाइज बताइए वीडियो कैसा लगा। भाई साहब पूरा दिन भैया अभी बाइक से ही घूमे हैं क्या, सारा दिन आपको दिखाए, बहुत मज़ा आया इस वीडियो में। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का ऑप्शन जाएगा उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, आपका भाई फिर से आपके साथ रहेगा, तब तक के लिए अलविदा एंड।